तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इसी यूट्यूब चैनल बीटीपी डिजिटल एजुकेशन में। और काफ़ी टाइम तक कोई वीडियो नहीं आया हमारे चैनल पे, उसका कुछ रीज़न था, और अब बट आ चुके एक बार फिर से। तो आप सभी का एक बार फिर से मैं वेलकम बैक करना चाहूँगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटीपी पॉलिटेक्निक के अगर आप कर रहे हैं, चाहे बीटीपी बोर्ड से डिप्लोमा कर रहे हैं, और आपके किसी भी डिटेल्स में अगर कोई गलती है, चाहे वो आपके ईमेल आईडी में, मोबाइल नंबर में, या जेंडर में, या कैटेगरी, या अन्य चीज़ों में अगर आपके किसी भी चीज़ में गलती है, तो उसका करेक्शन का डेट आया हुआ, आप फटाफट करेक्शन करवा लें। तो करेक्शन कैसे करना है, कहां से करना है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये करेक्शन का ऑप्शन आया है तो उन सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, बहुत सारे दोस्त जिनको पता ही नहीं चल पाता कि भाई करेक्शन का डेट आया था, और जब वो अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अपना सर्टिफिकेट बीटीपी बोर्ड का या फिर रिजल्ट लेने जाते हैं, देखते हैं उनमें तमाम गलतियां नजर आती है, तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अब हम क्या करें, 2-3 महीने उसमें चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो उन सबसे बचने के लिए आप फटाफट अभी करेक्शन का डेट आया है, आप जाइए करेक्शन करवा लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस जारी हुई है, इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा करें नोटिस को, तो आपको पूरा प्रॉपर दिखाएंगे। जी हाँ, ये यहाँ और यहाँ पे ये स्पष्ट है। जी हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि जो करेक्शन है, किन किन चीजों में करेक्शन करवाया जा सकता है। तो उपरोक्त परीक्षा, मतलब जो इस बार यहाँ पे इवन सेमेस्टर एग्जाम में या जो भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन छात्रों के अगर किसी भी विवरण में, जो विवरण यहाँ बताया गया है, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो सिग्नेचर, अगर किसी भी चीज़ में गड़बड़ी है, तो वो अपना करेक्शन करवा सकते हैं। करेक्शन के लिए वेबसाइट पर जो है लिंक btp.ac.in पर संस्था लॉगिन पर दिनांक 28/5/2023 से 3/6/2023 तक उपलब्ध है, यानी 28 मई से लेकर 3 जून तक अवेलेबल है, यानी अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आप कहीं भी गड़बड़ी है तो आप जाके करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने जाइए अपने एचओडी से मिलिए कि हाँ सर मेरा ऐसे ऐसे दिक्कत हो गया, फिर वहां पे जाएंगे तो वो करेक्शन आपका हो जाएगा। तो ये चीजें आ चुकी हैं, फटाफट जाएं करेक्शन करवाएं। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर कोई इससे रिलेटेड इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे, आपके सारे जवाब यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, विद इन 1 आवर मिल जाएगा। इनकेस अगर नई नई जवाब रिप्लाई दे मिल रहा है, तो आपको 24 आवर में रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें, नमस्कार, बाय बाय।